रियासी संगलदान खंड पर शुक्रवार को तेज गति से ट्रेन चलाने के ट्रायल में रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद देशवाल की उपस्थिति में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल से गुजरते हुए ट्रेन रियासी स्टेशन पहुंची। ट्रेन में रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद देशवाल रेलवे के उच्च अधिकारियों के साथ सवार रहे, जो इस परियोजना के तकनीकी निरीक्षण के 3 दिवसीय दौरे पर रहे। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने बताया है कि परियोजना के काम और निरीक्षण संतोषजनक पाए गए हैं और बहुत जल्द ट्रेन चलाने का निर्णय लिया जाएगा। बता दें कि संगलदान से रियासी स्टेशन खंड के तकनीकी निरीक्षण के लिए दिनेश चंद देशवाल 3 दिवसीय दौरे पर बुधवार को रियासी पहुंचे। यहां से वो रेलवे के अन्य अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के साथ मोटर ट्रॉली में सवार होकर पूरे ट्रैक का निरीक्षण करते हुए संगलदान पहुंचे। उनके दौरे से पहले इस खंड पर लगभग 4 बार इंजन और 2 बार ट्रेन चलाने का सफल ट्रायल पहले ही पूरा किया गया था। उनकी उपस्थिति में शुक्रवार को इस खंड पर तेज गति से ट्रेन चलाने का ट्रायल भी सफल रहा। रेलवे सुरक्षा आयुक्त की उपस्थिति में 8 डिब्बों की ट्रेन काफी तेज गति से संगलदान से रियासी स्टेशन पहुंची, जिसमें कुछ जगहों पर ट्रेन की गति 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। ट्रेन से पहले इसी खंड पर तेज गति से इंजन चलने का भी ट्रायल किया गया था, वो भी संगलदान से रियासी पहुंचा। ट्रेन से रियासी स्टेशन पहुंचने पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया है। वहीं ट्रेन चलाने से पहले बहुत सारे पहलुओं को देखने की ज़रूरत होती है। तकनीकी निरीक्षण में जो भी जानकारी इकट्ठा की गई है, उसका विश्लेषण कर बहुत जल्द इस पर फैसला लिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त के इस 3 दिवसीय निरीक्षण के संपन्न होने के बाद बहुत जल्द रियासी से कश्मीर तक रेल यातायात को हरी झंडी मिल सकती है। बहरहाल आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।